इस क्वेश्चन में जैसे ये यूरेनियम 92-238 दिया हुआ है, अब यहां पे लेड दिया हुआ है 82-214, कितने अल्फा और बीटा आएंगे वो निकालना है इनका टोटल। तो अल्फा तो ये होता है, इसका नंबर हमें पता नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस, और बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज -1 और मास 0। अब जो भी इसमें सीक्वेंस है बैलेंस करने का वो ये है कि ठीक है LHS RHS में यहाँ एटम्स तो है नहीं कि उनको बैलेंस करो, ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन है तो न्यूक्लियस चेंज हो गया, एलिमेंट ही चेंज हो गया, तो इनका बैलेंसिंग किधर होगा, कैसे होगा, चार्ज इधर जितना है उतना ही टोटलिंग इधर आना चाहिए और मास इधर जितना है ऊपर भी इधर RHS में उतना ही आना चाहिए। तो मास में कॉन्ट्रीब्यूशन केवल और केवल किसका, अल्फा का बीटा का तो है ही नहीं, तो पहले इस सीक्वेंस में बैलेंस करना चाहिए हमेशा, फर्स्टली यू हैव टू बैलेंस अल्फा, सो इट इज 4 एंड 2 4, सो ये फिक्स हो गए 6 अल्फा। तो जब ये फिक्स हो गए इसी सीक्वेंस में करें, क्योंकि मास में बीटा का कोई रोल नहीं है, तो मास बैलेंस कर लिया उससे अल्फा बैलेंस हो गए। अब बीटा पे आइए, चार्ज इधर 92 है और इधर अब 12, तो कितना हो गया 94, तो 2 से कम करना पड़ेगा ताकि 92 आए, तो ये 2 बीटा हो गए, तो 6 प्लस 2 मिला के आंसर आ जाएगा 8, 8 इज द आंसर।